आज हम लोग एक नए स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में डू और डज लगाकर सेंटेंस को इंफेटिक कैसे बनाया जाता है। तो आइए इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि डू और डज ये दोनों का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं। तो सबसे पहले डू का प्रयोग जो है हम लोग जहां पे आई वी यू दे या एक से अधिक नाम हो या एक से अधिक नाम हो वहां पे हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पे ही सी इट और एक व्यक्ति का नाम हो वहां पे हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस है मैं वहां जाता तो हूं। कि प्रेशर डाल के बोला कि मैं वहां जाता तो हूं, इंफेटिक है सेंटेंस, तो इसका होगा आई डू गो देयर। वह यहां आती तो है, प्रेशर डाल के इंफेटिक बना के बोला जा रहा है, तो इसका होगा सी डज कम हियर। वह प्रतिदिन दवाई लेती तो है, अब प्रतिदिन का डेली और दवाई का मेडिसिन, तो इसको बनाएंगे सी डज टेक मेडिसिन डेली। वह सारे दिन पढ़ता तो है, सारा दिन हॉल डे, सारा दिन का इंग्लिश क्या होगा हॉल डे। तो अब हम लोग देखते हैं इसको बना के ही डज रीड द हॉल डे। नेक्स्ट रमेश कॉलेज जाता तो है, सेंटेंस को इंफेटिक बनाया गया है, समझने का प्रयास कीजिए, रमेश डज गो टू कॉलेज। वे लोग व्यायाम करते तो हैं, दे डू ट्रैक एक्सरसाइज। अब इस तरह से हम लोग ये प्रेजेंट फॉर्म देखिए, इसका पास्ट फॉर्म होता है, ज्यादा हम लोग करना नहीं है, सेंटेंस को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे बार बार रिवाइज कीजिए, एक दिन ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर चाहेंगे तो कुछ सेंटेंस को चेंज करके ही बना सकते हैं। यहां पे अगर रहेगा कि सीता वहां जाती तो है, तो सीता डज गो देयर, तो इस तरह से सेंटेंस का सिर्फ हमको स्ट्रक्चर फॉर्म को ध्यान देना है और बनाने के लिए सीखना है। तो आइए अब हम लोग पास्ट वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। अब हम लोग इसके पास्ट के बारे में देखते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। डू का पास्ट जो है डिड होता है। तो अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रमेश पढ़ता तो था, ये भी सेंटेंस कैसा है इंफेटिक है, तो रमेश डिड स्टडी। दूसरा हम लोग व्यायाम करते तो थे, वी डिड ट्रैक एक्सरसाइज। मैं यहां रहता तो था, अब यहां का होता है और वहां का देयर। आई डिड लिव हियर, अंजलि यहां आती तो थी, अंजलि डिड कम हियर। मैं क्रिकेट खेलता तो था, आई डिड प्ले क्रिकेट। राम का भाई बाजार जाता तो था, क्या हुआ राम का भाई, अब यहां पे का आ गए तो का के बदले हम लोग अपोस्ट्रोफ एस का यूज किए। राम का भाई बाजार जाता तो था, तो राम्स ब्रदर गो टू मार्केट। इस तरह से जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाने का प्रयास किए और हम लोग इसी फॉर्म पे और सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे अगर यही रहा कि रमेश खेलता तो था, तो रमेश डिड प्ले। रमेश दौड़ता तो था, रमेश डिड रन। रमेश हंसता तो था, रमेश डिड लाफ। रमेश बाजार जाता तो था, रमेश डिड गो टू मार्केट। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाना सीख लिए। और अगर आप इस तरह के और सारे वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।